आप कहेंगे कि जितने पैसे वाले हैं अरबपति, पहली बात तो धन वही है जो हमें मरने के बाद भी हमारा साथ देवे, जो हमें नरक को ले जाए। वो बुद्धि सत्संग में जाने से आती है। हमारे पास आते हैं एक व्यक्ति, वो कहते थे कि हम अपने मित्र से मिलने गए तो दरवाजा जब खोला तो बगल में एक कमरा था, उसमें बहुत सी सैकड़ों चप्पलें रखी थी नई नई। तो उन्होंने कहा हमारा मित्र तो बहुत बड़ा आदमी है, उसकी लड़की बहू ही चीफ जज की लड़की है, बहुत क्या चप्पल की दुकान खोल लिया इन्होंने। तो उन्होंने पूछा भैया तुमने क्या दुकान साइड में बिजनेस किया है, कोई चप्पल का दुकान खोला क्या? बोले नहीं, ये तुम्हारी भाभी की चप्पलें हैं। बोले भाई भाभी की चप्पल इतना कैसे? बोले लाल साड़ी होगी तो लाल चप्पल, हरी साड़ी होगी तो हरी चप्पल, नीली साड़ी होगी तो नीली चप्पल, वैसा उनका होता है कुछ। तो जिसके लाखों रुपए इस स्थूल शरीर के लिए लगते हैं उसकी क्या सदगति हो सकती है, क्या परोपकार कर सकता है, क्या भगवत सेवा कर सकता है? इसीलिए धन वही है जो भगवान से मिला देता है, और नहीं तो मौत है। भागवत में भी लिखा है धनम च धर्मैक फलम यतो वही ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम। धन केवल मृत्यु है, मृत्यु के बाद दुख देगा। महापुरुषों ने भी कहा है, स्वामी हरदास ने भी कहा है धन मौत है। लेकिन आश्चर्य है आज इसे विपरीत आचरण हम लोगों में दिखाई पड़ता है। स्वामी जी का पद है सच्चा हरदासी कौन है, पैसे को छूता नहीं। भगवत रसिक जी ने कहा है पैसा पापी साधु को छुअत लगावत का। अनन्य भक्त कौन है? हरि भज रे क्षण न मान नर्तन को, हरि भज छाड़ी न मान हरितन को, इसका अर्थ समझिए। मनुष्य शरीर का जो लाभ है, मान है, भजन है, इसको मत भूलो। तुम मनुष्य क्यों बने हो? एकमात्र प्रभु से मिलने के लिए बने हो। ये भोग तो कुत्ते बिल्ली भी भोगते हैं, तो इस मनुष्य शरीर का लाभ मत भूलो भाई। इसका मान, इसका सम्मान, इसका प्रमाण, मान के अर्थ होते हैं इसका प्रमाण, ये सब भगवान का भजन ही है। कृपा करो राधा रानी कृपा।